Hello students, hope you are doing well. Students, today we will start a project work together. Watch this project work very carefully because you have to make it yourself. First of all, हम एक sheet लेंगे. ये sheet plain, colorful या फिर खुद decorate की हुई भी हो सकती है. उसके बाद देखेंगे कि हमारे project work का topic क्या है. जो भी topic होगा, उससे related photos या तो हम अपनी sheet पर paste कर सकते हैं या फिर उनको draw कर सकते हैं. उसके बाद हम उसके बारे में लिखेंगे. हम इस प्रोजेक्ट वर्क में वेस्ट मटेरियल यानी कि घर में पुराने बर्तन्स, मैस्टिक आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा प्रोजेक्ट वर्क टाइम से रिलेटेड है. मैंने इससे रिलेटेड फोटोज अपनी शीट पर पेस्ट कर रखी हैं और नीचे उनके बारे में लिख रखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि हम टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं. हम टाइम को क्लॉक की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. हम क्लॉक को देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या टाइम है. हर क्लॉक का एक डायल होता है. क्लॉक के इस डायल के सर्कुलर बॉर्डर में 1 to 12 आवर्स नंबर होते हैं या नंबर इक्वल इंटरवल पर होते हैं. और हर क्लॉक्स के 2 हैंड्स होते हैं. यह डिफरेंट लेंथ के होते हैं. आवर हैंड, जो स्मॉल हैंड होता है वो आवर हैंड होता है. यह मिनट हैंड से स्लो चलता है. आवर हैंड अपना एक राउंड जो होता है 12 आवर में यानी कि हाफ डे में कंप्लीट करता है. आगे है मिनट हैंड, जो मिनट हैंड होता है वो लॉन्गर हैंड होता है. यह अपना एक राउंड 60 मिनट यानी कि 1 आवर में कंप्लीट करता है. इसके अलावा एक थर्ड हैंड भी होता है जिसे हम सेकंड हैंड भी कहते हैं. यह हैंड बहुत फास्ट घूमता है और अपना एक राउंड 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में कंप्लीट कर लेता है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवर हैंड अपना एक राउंड 12 आवर में कंप्लीट करता है. मिनट हैंड अपना एक राउंड 1 आवर यानी कि 60 मिनट में कंप्लीट करता है. अगर क्लॉक में सेकंड हैंड है तो वो अपना एक राउंड 1 मिनट में कंप्लीट कर लेता है. इट मीन 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल है, हाफ आवर 30 मिनट्स के इक्वल है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल है. नेक्स्ट पार्ट है टेलिंग टाइम. 4 क्लॉक्स दी हुई हैं जिनसे हम टाइम मेजर करेंगे. फर्स्ट क्लॉक में देखिए, शॉर्ट हैंड 9 पर है, लॉन्ग हैंड 12 पर है. इट मीन 9 o'clock. सेकंड क्लॉक में देखेंगे, शॉर्ट हैंड 2 और 3 के बीच में है, लॉन्ग हैंड 6 पर है. इट मीन 2:30 और हाफ पास्ट 2. थर्ड क्लॉक पे देखेंगे, शॉर्ट हैंड 11 पर है, लॉन्ग हैंड 3 पर है. इट मीन 11:15 और क्वार्टर पास्ट 11. फोर्थ क्लॉक पर देखेंगे, शॉर्ट हैंड 5 पर है, लॉन्ग हैंड 9 पर है. इट मीन 5:45 और क्वार्टर टू 6. सो स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट वर्क हमारा टाइम पर था. आगे आपको 2 प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं. फर्स्ट इज डू प्रोजेक्ट वर्क ऑन मल्टीप्लीकेशन द नंबर्स और डू प्रोजेक्ट वर्क ऑन शेप्स एंड पैटर्न. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोजेक्ट वर्क एंड यू विल मेक इट वेरी वेल. थैंक यू.